नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं भाई साहब एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसे सिस्टम लेके आया हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर भी साउंड क्वालिटी का इंजॉयमेंट लेना है, चाहे आपका मन हो गया भाई साहब कहीं जंगल में घूमने निकल गया और आपको लगा कि यार यहाँ पे तो गाना बजना चाहिए, या फिर आप मेरी तरह गाने वाने के शौकीन है, बजाने के शौकीन है थोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो आपको एक साउंड सिस्टम की जरूरत तो होती है, लेकिन वहाँ पे वो कमी कोई होम थिएटर, कोई साउंड बार या कोई ब्लूटूथ स्पीकर पूरी कर ही नहीं सकता है। वहाँ पे आपको चाहिए रहता है एक पार्टी बॉक्स। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँ चार ऐसे पार्टी बॉक्स जो कि बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप के साथ में आते हैं, साउंड क्वालिटी उनका भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। लाउडनेस की बात कर लो चाहे बेस की बात कर लो, अब यहाँ पे डीप बेस का इतना काम है ही नहीं क्योंकि अपन यहाँ पे पार्टी बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो डीप बेस वाला भी मैंने सिस्टम रखा है क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत लोग चाहते हैं। और उसके अलावा कराओके म्यूजिक पे भी मैंने ध्यान दिया है कि जिनको पार्टी बॉक्स के साथ में सिंगिंग करनी है तो माइक भी चाहिए रहता है भाई साहब, इको भी चाहिए रहता है, सबका मैंने ध्यान दिया है। एक ऐसा सिस्टम ढूंढ के लाया जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिटीज पूरी होती है। शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वीडियो का। यहाँ पे मैंने 20,000 तक के भी प्रोडक्ट रखे हैं और आपके बजट के अंदर जैसे कि मान लीजिए 5-6,000 तक का तो मिनिमम आएगा, सारा सिस्टम मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई साहब पहले नंबर पे कौन सा पीस आता है। तो अगर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, आपको जस्ट अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए प्लस एक पार्टी बॉक्स ही चाहिए, तो आपके लिए ऑफर करता हूं भाई साहब मैं JBL का पार्टी बॉक्स जो कि अभी अभी आया है मार्केट में। और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था 25,000, लेकिन अभी इसका प्राइस 5,000 रुपए डाउन हो चुका है, अभी आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें 100 वॉट आउटपुट की तो ये RMS रहने वाला है, मतलब कि आप समझ सकते हैं लगभग 300 से 400 वॉट का पीक पावर यहाँ पे रहता है। सबसे पहले बात करें भाई साहब कनेक्टिविटी तो सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, ब्लूटूथ हो गया, ऑक्स हो गया, USB हो गया, सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब बात करते हैं भाई साहब थोड़े से फीचर्स के बारे में जो कि स्पेशल फीचर होते हैं। तो भाई साहब अब आप सोच लीजिए कि यार 100 वॉट का आउटपुट आपको सिस्टम दे रहा है प्लस आपको एक IPX4 की रेटिंग भी मिलती है कि भाई साहब थोड़ा बहुत पानी वानी के अंदर भी ये चल जाएगा, तो ये हुआ ना भाई साहब असली पार्टी बॉक्स। तो ये चीज़ आपको सारी इसके अंदर अवेलेबल मिलती है। अब बात करते हैं इसके अंदर बैटरी बैकअप कितना मिलता है, कितना ये चल जाएगा, क्या इसका लाइव है। तो इससे आप अपने मोबाइल वोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होएगा। 6 घंटे का लगातार प्लेबैक टाइम देता है आपको 100 वॉट आउटपुट के साथ में, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ देता है JBL भाई साहब। अब बात करते हैं कराओके सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है तो गाना बजाना भी आपका हो जाएगा। साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खासियत जो कि मैंने आपको बोली थी डीप बेस अवेलेबल है इसके अंदर, आपको कहीं पे कोई भी चीज़ सोचना ही नहीं पड़ेगा। JBL के साथ में जा रहे हो, ये पर्सनली एक कमी लगी वो थी कि यार हल्की सी ट्रेबल कम है, बाकी सब बहुत बढ़िया, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ट्रेबल वगैरह चलो ठीक है थोड़ा सा कम है लेकिन चल जाएगा। उसके साथ में बैटरी बैकअप नेक्स्ट लेवल है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, लाने ले जाने के अंदर बहुत कम जगह घेरेगा। तो अगर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है, ये पीस आपके लिए, इसको लिंक में जाके आप जरूर चेक कर सकते हो, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं। वजन की बात कर लें कितना वजन हो सकता है आप अंदाज लगा लीजिए, इसका वजन है भाई साहब 5 किलो, 5 किलो का आइटम है, तो मान सकते हैं कि चलो इतना आप पैसा दे रहे हो तो अफोर्ड भी करते हो, क्वालिटीज प्लस वजन तो होएगा यार इतना। अब थोड़ा सा आउटपुट की बात कर लें, साउंड आउटपुट के अंदर इसका जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो इतना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड हो गया, लाउडनेस कितनी है तो 80 dB की लाउडनेस दे रखी है, 80 dB बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। तो ये जितना मुझे मेन पॉइंट लगे मैंने क्लियर कर दिए, खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं पार्टी बॉक्स के नाम पे, ये सही में एक आइडियल पार्टी बॉक्स है। नेक्स्ट पीस पे चलते हैं, ये आता है भाई साहब का ट्रीबीट की तरफ से, तो फिर से अगेन अगर आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है, जो कमी JBL के अंदर थी ट्रेबल की वो ट्रीबीट ने पूरी कर दी है। ट्रीबीट आपको ट्रेबल के लिए एक्स्ट्रा ट्विटर स्पीकर देता है प्लस वूफर देता है एंड पैच रेटर तो आपको मिलते ही, तो एक गुड एंड कह सकते हैं कि बैलेंस ऑडियो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही में कराओके सिस्टम तो पूरा अवेलेबल है ही सही, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। अब थोड़े से फीचर्स की बात कर ली जाए, ब्लूटूथ मिलता है भाई साहब, ऑक्स मिल जाता है, USB मिल जाता है, SD कार्ड का फीचर अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको इसका लाउडनेस मिलता है भाई साहब आपको लगभग 90 dB के आसपास जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। उसी के साथ में इसके अंदर 30 घंटे का प्लेबैक टाइम है, तो ये मजाक नहीं चल रहा है, 30 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैंने सेकंड नंबर पर रखा है और ये वर्थ है। थोड़ा सा प्राइस की बात कर ली जाए तो ये मिलता है भाई साहब को 18,000 रुपये के अंदर, 2,000 रुपये कम है पहले वाले से, लेकिन 18,000 वाली चीज़ भी है सच में। ट्रीबीट चलो सुन के लगता है एक नया ब्रांड है, लेकिन जो ये फीचर्स ऑफर कर रहा है वो सही में नेक्स्ट लेवल है। एक और खासियत बताऊं, IPX7 की रेटिंग मिलती है, IPX7 की रेटिंग प्लस 90 वॉट का आउटपुट प्लस 30 आवर का प्लेबैक टाइम प्लस कराओके म्यूजिक सिस्टम
और क्या चाहिए भाई, थोड़े से स्पीकर स्पीकर की गणित समझा देता हूँ। देखिए इसके अंदर 15-15 वाट के दो ट्विटर लग रखे हैं, 30-30 वाट के दो वूफर लग रखे हैं, तो उससे आपका सारा ऑडियो बेस सब कुछ इसमें हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। मेरे हिसाब से अच्छा सिस्टम है, और अगर पैसे मैटर नहीं करते, एक अच्छा क्वालिटी सिस्टम चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, साउंड सिस्टम के अंदर डीप बेस मिल जाएगा, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप आपका बजट 10,000 रुपये के आसपास बना के चल रहे हो, ये आपके लिए सच में वैल्यू फॉर मनी है। 10,000 रुपये के जितना फीचर इसके अंदर सब कुछ है, कंपनी बहुत अच्छा सोच समझ के प्रोडक्ट को बनाई है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करता है, तो आपके लिए जो कराओके के लिए चाहिए, तो भाई साहब ये प्योर कराओके सिस्टम है। इसके अंदर पार्टी बॉक्स तो है ही, बेसिकली बैकअप वगैरह सब कुछ मिलता है, फिर भी कराओके सिस्टम के अंदर जो प्लस पॉइंट आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो फीचर में सबसे पहले आपको कराओके मिलता है, बहुत ही अच्छा है अगर आप सिंगिंग विंगिंग के लिए लेते हैं, आपको एक आउटडोर परफॉर्मेंस करनी रहती है, बहुत लोग होते हैं शौकीन। अब कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ मिल जाता है, USB मिल जाता है, SD कार्ड मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, जितने फीचर होने चाहिए मेरे हिसाब से सारे अवेलेबल हैं। साउंड आउटपुट की बात कर ली जाए, 80 वोट का साउंड आउटपुट देता है, जिसके अंदर ट्विटर भी इंक्लूड है। अब ट्विटर का 10 या 15 वोट आउटपुट होगा, बाकी आप समझ सकते हैं। वूफर साइज की बात कर ली जाए, 6.5 इंची के दो वूफर मिलते हैं। अब ये 6.5 इंची के दो वूफर अप्रोक्स 35 वोट या फिर 30 वोट के होंगे मेरे हिसाब से, जब जाके इनका 80 वोट आउटपुट कंप्लीट हो रहा है। ट्विटर का 10-15 वाट होगा, तो ये आप समझ गए जो भी गणित है इनकी। क्लास डी एम्पलीफायर इन्होंने यूज़ किया, हालांकि अपना तो क्लास डी पे विश्वास कम है, लेकिन अगर अच्छे से यूज़ किया है तो ये बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसा कि इसके रिव्यूज़ बताते हैं। बहुत लोगों ने ख़रीदा भी है, तो यार इतने लोगों ने ख़रीदा है तो यार कोई ना कोई तो हेट कमेंट भी होती। मैंने रिव्यूज़ चेक किए, मोस्ट ऑफ रिव्यूज़ बहुत बढ़िया थे। बैटरी बैकअप की बात कर ली जाए, 5200 mAh की बैटरी है, और साथ ही में आपको 8 घंटे का लगातार प्लेबैक टाइम देता है 80 वोट के आउटपुट के साथ। इसके साथ में आपको वायरलेस माइक भी मिल जाता है, तो आपको अगर शादी ब्याह में भी जाना है, छोटे मोटे ऑर्डर लेने हैं हेलो 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 वाले, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक सेट के सिस्टम बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, मजबूती इसके अंदर कोने कोने से झलकती है, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक अच्छा साउंड सिग्नेचर जिसको अपन बोलते हैं, वो सारे क्वालिटीज ये इसके अंदर आराम से देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, असली फोटो देखने हैं तो ये आपके स्क्रीन पे आ ही चुके हैं। चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट पीस पे। तो बहुत लोग होते हैं ना कि भाई साहब अगर जैसे कि 10,000 की चीज़ दिखाई तो यार इसको थोड़ा सस्ता करो, तो सस्ता तो हो नहीं सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सस्ता साउंड सिस्टम आपको जरूर से दिखा सकता हूँ। अगला साउंड सिस्टम आता है भाई साहब जेब्रा नेक्स की तरफ से, यह था आपके लिए 6,299 रुपये का, जब मैंने इसका स्क्रिप्ट लिखा था, अब मालूम नहीं कितने का गया होगा, ऊपर नीचे हुआ होगा 100-200 रुपये ही ऊपर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फीचर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रांड का नाम सुन लो, जेब्रोनिक्स की तरफ से आता है तो विश्वास कर सकते हो। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात कर लें तो जितने हो सकते हैं अवेलेबल करने की कोशिश की है कंपनी ने, ऑक्स हो गया, USB हो गया, ब्लूटूथ हो गया, माइक हो गया, कंट्रोल नॉब्स तक भी दे रखे हैं, और क्या चाहिए। ये पहला सिस्टम देखा जिसके अंदर कंट्रोल नॉब भी है पार्टी बॉक्स के अंदर, तो जिस लोगों को जिस टाइप की आवाज़ चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है कि यार 6,000 रुपया ये लगभग ले रहे हैं, आउटपुट केवल 40 वॉट का, तो इसलिए मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा अकाई वाला म्यूजिक सिस्टम, बेस्ट है भाई साहब बेस्ट है, 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हो लेकिन नहीं दुखेंगे। इसका टोटल आउटपुट 40 वॉट का आता है, तो ठीक है भाई साहब 40 वॉट के अंदर क्या क्या मिलता है देखते हैं। 20 वॉट का पर्टिकुलर एक वूफर है, ठीक है, तो दो आपको ऐसे आइटम मिल रहे हैं, तो 20-20 वॉट 40 वॉट कंप्लीट हो गया। ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 मिलता है, 5.0 वर्जन आप समझ सकते हैं कि बाबा आदम के ज़माने का है, फिर भी उससे कोई मेन दिक्कत तो होती नहीं है। साउंड ड्राइवर की बात कर ली जाए तो 120 mm इन्होंने लिखा है, पता नहीं mm की कितनी पढ़ाई की इंच में लिख देते तो इनका क्या जाता। चलो आपको देता हूँ ये काम, कमेंट के अंदर बताना ये कितने इंच का है। स्पीकर का इम्पीडियंस की बात कर ले, 8 ओम का है, 8 ओम के स्पीकर मतलब लंबे चलने वाले हैं, बहुत अच्छे चलने वाले हैं, ये चीज़ आप समझ के रख लो 100%। एक चीज़ इन्होंने और क्लियर की, अब जेब्रोनिक्स अपनी तरफ से सारे स्पेसिफिकेशन तो दे रहा है, ठीक है भाई साहब 40 वोल्ट के हिसाब से इसको मानते हैं कि चलो ये बढ़िया है। साउंड फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की है। अब आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता दूँ, 70 हर्ट्ज मतलब कि लाउडनेस अच्छी खासी है, बिल्कुल बच जाएगा दमदार, लेकिन लो बेस इसके अंदर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लो बेस स्टार्ट होता है भाई साहब 50 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, तो वो इसके अंदर नहीं होने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन लो बेस का काम ही कहाँ है पार्टी बॉक्स में, सिंगिंग में तो चलता नहीं है। अब बात करते हैं लाउडनेस की, 65 dB लाउड है, 65 dB, हाँ मैंने बताया 40 वॉट के हिसाब से इतना ही होगा, नॉट गुड नॉट बैड एवरेज है। प्लेबैक टाइम की बात कर लीजिए भाई साहब 6.5 घंटे आसपास चल जाएगा, ठीक है भाई साहब इसके हिसाब से वर्थ है। अगर पैसों के अंदर थोड़ी सी बात कर लीजिए, 4-5 हज़ार रुपये के अंदर ये चीज़ मिल जाती तो ये बेस्ट हो सकता था, फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ हैं। टोटल वजन की बात कर लीजिए तो 4 किलो के आसपास
आसपास का वजन है। आइटम अच्छा है, इसको आप अफोर्ड भी कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। क्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, आपको लाउडनेस का भी एक आइडिया दे दिया है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। खरीदना हो खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऐसे और वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट करना, मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। इस चैनल पर तो भाई साहब यूट्यूब बिल्कुल रीच दे ही नहीं रहा है, लेकिन मेरा दूसरा व्लॉगिंग वाला चैनल है उस पर यूट्यूब अच्छी खासी रीच दे रहा है, तो मैं उस पर भी आजकल ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको मेरे व्लॉग्स चेक करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।